गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। पिछले वीडियो तक हम पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़े थे। पदार्थ दो प्रकार के होता है, एक होता है सुचालक पदार्थ, एक होता है विद्युतरोधी पदार्थ। विद्युतरोधी पदार्थ दो प्रकार के, एक होता है आपका कुचालक और एक होता है परावैद्युत माध्यम। कुचालक पदार्थ, परावैद्युत माध्यम, इस सब के बारे में हम जान चुके थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आगे पढ़ने में आसानी होगा। ठीक, अब चलिए हम पढ़ेंगे विद्युत ध्रुव के बारे में। विद्युत ध्रुव क्या है? विद्युत ध्रुव एक व्यवस्था का नाम है। विद्युत ध्रुव एक व्यवस्था का नाम है। कैसा व्यवस्था? एक ऐसा व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे जाते हैं। कैसा व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, दो बराबर एवं विपरीत आवेश हैं। कैसे? तो यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है। परिमाण में बराबर है कि नहीं है, लेकिन विपरीत है। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। दो बराबर एवं विपरीत आवेश हो गया। अब बहुत ही कम दूरी मान लिए हम 12, बहुत ही कम दूरी 12 माने हैं, और दोनों को 12 दूरी पर रख दिए हैं, तो इस व्यवस्था को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अगर कोई पूछे विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे जाते हैं विद्युत ध्रुव कहलाती हैं। ठीक, अब इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में दो बिंदु A एवं B दर्शाया गया है, जिस पर दो बराबर एवं विपरीत आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू बहुत ही कम दूरी 12 पर रखा गया है। अब आपका सवाल होगा कि हम इसका दूरी L भी मान सकते थे, लेकिन इसका दूरी 12 क्यों माने हैं? 12 इसलिए माने हैं क्योंकि ये एक व्यवस्था है प्लस क्यू एवं माइनस क्यू, और इससे अगर हम दूरी लेंगे तो इसके केंद्र से लेंगे। अगर आप चाहे कि यहाँ से ले तो यहाँ से लीजिएगा तो वो सब छूट जाएगा, यहाँ से लेंगे तो ये सब छूट जाएगा। इसका मतलब अगर दूरी कहीं से लेंगे तो केंद्र से लेंगे, और केंद्र से लेंगे यानी इसका लंबाई L हो जाएगा, इसका लंबाई L हो जाएगा, मतलब पूरा विद्युत ध्रुव का लंबाई 12 हो जाएगा। हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, इसलिए हम इसका जो लंबाई लिए हैं 12 मान लिए हैं। ठीक, इस विद्युत ध्रुव का लंबाई 12 मान लिए हैं। तो फिर से समझते एक बार, एक बिंदु A और एक बिंदु B, दोनों बिंदु एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी 12 पर स्थित हैं, और दोनों बिंदु पर जो आवेश हैं परिमाण में बराबर एवं चिन्ह में विपरीत हैं प्लस क्यू एवं माइनस क्यू। बिंदु B पर प्लस क्यू है, बिंदु A पर माइनस क्यू है। ए बी को मिलाने वाली जो रेखा है, ए बी को मिलाने वाली रेखा, वो विद्युत ध्रुव के अक्ष कहलाती हैं। विद्युत ध्रुव का अक्ष कहलाती है ए और बी को मिलाने वाली रेखा, और ए या बी के बीच की दूरी जो 12 है विद्युत ध्रुव की लंबाई कहलाता है। ए और बी के बीच की दूरी विद्युत ध्रुव की लंबाई कहलाता है। ठीक, विद्युत ध्रुव की लंबाई जो है एक सदिश राशि है। इसका दिशा जो होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ध्रुव की लंबाई मतलब इसकी शक्ति सामर्थ्य, इसका सामर्थ्य जो विद्युत ध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, यानी इसका शक्ति जो होगा, इसका शक्ति विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ए और बी की जो शक्ति होता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। आ ये जो है एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस की उस ऋण आवेश से धन आवेश, मतलब माइनस से प्लस की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। किसका? विद्युत ध्रुव की लंबाई, इसकी शक्ति विद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। विद्युत ध्रुव की लंबाई एक सदिश राशि है, इसका दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक, अब इसका जो शक्ति है, समर्थ है, इसमें उत्पन्न आघूर्ण जो है विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये जो इसमें जो आघूर्ण उत्पन्न होता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है, विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण विद्युत ध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, यानी इसका जो शक्ति कहलाता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसका शक्ति विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाए प्लस की और माइनस की बहुत ही कम दूरी पर रख जाए और उसका जो समर्थ होगा शक्ति होगा विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे पी पी या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण को पी या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण को पी या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? तो विद्युत ध्रुव में एक आवेश, मतलब आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत ध्रुव में एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अर्थात P बराबर एक आवेश अगर परिमाण ले इसमें तो क्या होगा, Q होगा, दिशा चिन्ह तो नहीं लेना है, केवल परिमाण लेना है। तो Q इंटू दोनों आवेश के बीच की दूरी 12 है, तो Q इंटू 12 P बराबर Q इंटू 12 आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। विद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12 विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसका मात्रक के बारे में बात करें, विद्युत ध्रुव आघूर्ण के मात्रक के बारे में, तो इसका मात्रक कूलोम यानी आवेश है, आवेश का मात्रक कूलोम और 12 लंबाई है, 12 क्या है, लंबाई है, विद्युत ध्रुव की लंबाई, विद्युत ध्रुव की लंबाई 12 है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो कूलोम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, कूलोम मीटर विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलोम मीटर होता है। और इसका एक व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक में उपयोग किया जाता है, व्यवहार में व्यवहारिक मात्रक होता है डेबोई, इसका व्यवहारिक मात्रक डेबोई होता है, व्यवहारिक मात्रक डेबोई, इसका व्यवहारिक मात्रक डेबोई होता है। एक कूलोम मीटर जो होता है 3 गुना 10 के पावर 29 डेबोई के बराबर होता है, 3 गुना 10 के पावर 29 डेबोई के बराबर होता है। एक कूलोम मीटर 3 गुना 10 के पावर 29 डेबोई के बराबर होता है। अगर यहाँ पर एक डेबोई निकालना चाहेंगे आप, एक डेबोई निकालना चाहेंगे तो 3.334 × 10³ के लमसम में आता है, 3.334 × 10³ कूलोम मीटर आता है एक डेबोई में, 3.334 लमसम में आता है, 3.3 या 3.4 कह सकते हैं × 10³ डेबोई। ठीक, ये आपका विद्युत ध्रुव के बारे में हुआ, विद्युत ध्रुव में उत्पन्न आघूर्ण के बारे में। ठीक, विद्युत ध्रुव एक व्यवस्था है, ज़्यादा इसमें समझने वाला बात नहीं है, एक व्यवस्था, एक व्यवस्था का नाम दिया गया है विद्युत ध्रुव, आप विद्युत ध्रुव की जो शक्ति होता है उसे विद्युत ध्रुव आघूर्ण है। ठीक, विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए करते क्या है, तो विद्युत ध्रुव में जो एक आवेश है उसका परिमाण और उनके बीच की दूरी में गुणा कर दीजिए, आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकल जाएगा। ये जो 12 है, 12 आपको 2 में L में गुणा नहीं करना है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि चार कूलोम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उनमें उत्पन्न विद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, चार फॉर्मूला जानते हैं, Q इंटू ट्वेल्व, तो Q का मान 4 है, अगुना 2 है तो 2 × 5 लिखेंगे, 2 है तो 2, अगुना L लंबाई 5 है तो 5 लिखेंगे, गलत हो जाएगा। हमें विद्युत ध्रुव दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर 12 जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, यानी पूरा 12 के बदले में 5 होगा, अब 5 × 20 किलोमीटर जो होगा आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा। समझ चुके होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 2 में L में गुना नहीं करना है, क्योंकि 12 जो है दोनों के बीच की दूरी है, और दोनों के बीच की दूरी जो देगा वही सीधे लिख के गुना कर देना आवेश में, आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकल जाएगा।
और एक किलोमीटर 3×10^29 डेवोई के बराबर होता है। एक किलोमीटर 3×10^29 डेवोई के बराबर होता है। यहाँ से अगर निकलना चाहे डेवोई में तो इसका मान है इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो मान है बुक का दिया हुआ मान है एक डेवोई में 3.3×10^35 किलोमीटर के लमसम में दिया है। ठीक, तो अगर इस तरीके से दिखे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको टिक कर देना है, इसमें कोई सोचने समझने वाला बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीज़ हम देखेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत ध्रुव को रखा जाए, अगर किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को रखा जाए तो उस पर एक बल घूर्ण कार्य करता है। वो कितना बल घूर्ण कार्य करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमें जान लें कि ये बल घूर्ण क्या है, ये बल घूर्ण क्या है। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए, हम टॉपिक है कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल घूर्ण का समीकरण प्राप्त करें। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को रखने पर विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल घूर्ण का समीकरण निकालना है। विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल घूर्ण का समीकरण निकालना है, मानी बल घूर्ण कितना लगेगा। तो पहले एक समरूप विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, एक समरूप विद्युत क्षेत्र बना लिए। अब इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत ध्रुव को रखना है। तो विद्युत ध्रुव को हम कैसे रख सकते हैं, ऐसे रखें इसे कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक विद्युत ध्रुव को हम इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पर एक आवेश लेते हैं। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और दोनों आवेश को इस तरीके से रखे हैं, माइनस क्यू आवेश यहाँ पर, प्लस क्यू आवेश। ठीक, और ये जो विद्युत ध्रुव है इस पर लगने वाले बल घूर्ण का समीकरण हमें निकालना है। आ ये जो विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र कब होगा, जब विद्युत बल रेखा समानांतर होता है तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है। हम बताए थे विद्युत बल रेखा पढ़ा रहे थे, तो समानांतर विद्युत बल रेखा किए हैं मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। और समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत ध्रुव रख दिए, इस पर बल घूर्ण हमें निकालना है कि इस पर बल घूर्ण होता कितना है। तो बल घूर्ण निकालने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि आखिर बल घूर्ण होता क्या है, बल घूर्ण क्या होता है। तो अगर हम अपने भाषा में समझाना चाहे तो बस एक लाइन में समझाना चाहेंगे कि अगर बल लगेगा तो रैखिक गति होगा, और यदि बल घूर्ण लगेगा तो घूर्णन गति होगा। यदि बल लगा तो रैखिक गति होगा, जब बल घूर्ण लगेगा तो घूर्णन गति होगा। मतलब समझिए, अगर बल घूर्ण लगेगा तो कोण बना के लगेगा, यानी इसमें इस तरीका से जो लगेगा घूमने लगा ये वाला मार्कर जो है, इधर हम बल लगा रहे हैं, इधर बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें घूर्णन गति होगा। ठीक, मतलब जहाँ दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करते हैं वहाँ बल अघूर्ण उत्पन्न होता है, जहाँ दो बराबर एवं विपरीत आवेश होता है वहाँ घूर्णन गति होता है। ठीक, और बल अघूर्ण हो जाता है, बल अघूर्ण लगेगा दो बराबर एवं विपरीत आवेश लगेगा तो क्या होगा, घूर्णन गति। लेकिन बल लगेगा तो रैखिक गति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो बल अघूर्ण लगेगा कि बल लगेगा, यहाँ पर देखेंगे, समझते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, तो अगर किसी विद्युत ध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो इस पर बल लगेगा या बल अघूर्ण लगेगा, इसको समझना जरूरी है। इस पर बल लगेगा कि बल अघूर्ण लगेगा, इसको समझना चाहिए हमें। यदि किसी असमरूप क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर बल लगेगा कि बल अघूर्ण लगेगा, इसको समझना जरूरी है। तो पहले एक असमरूप विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। जब असमरूप विद्युत क्षेत्र बनाएंगे तो विद्युत बल रेखा इस तरीके से हो सकता है, विद्युत बल रेखा इस तरीके से हो सकता है, समानांतर नहीं होगा, विद्युत बल रेखा एक दूसरे का समानांतर नहीं होगा। तो यदि किसी समानांतर विद्युत क्षेत्र में, यदि किसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ई वाला इधर बल लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि जब किसी आवेश को, अब इसको विद्युत ध्रुव न मानकर एक मानिए कि आवेश है, इसको मानिए कि एक आवेश है,
अब इस आवेश पर बल कितना लगेगा, तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश पर लगने वाला बल होता है क्यू इंटू ई होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर इस विद्युत क्षेत्र का समर्थ ई है, इस विद्युत क्षेत्र का जो समर्थ है ई है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर लगने वाला बल बल जो होता है यह बराबर क्यू इंटू ई होता है। जब विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे उस समय एक समीकरण निकलवाए थे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश पर लगने वाले बल का समीकरण जो होगा ए बराबर क्यू इंटू ई होगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा क्यू इंटू ई लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा। और चूंकि प्लस क्यू है तो प्लस क्यू जो होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, इस पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा क्योंकि प्लस क्यू है। ठीक, प्लस क्यू का मतलब विकर्षण होता है, विकर्षण का मतलब उसी दिशा में होगा। जहाँ मान लीजिए जैसे कि विद्युत क्षेत्र को समझा रहे थे कि यहाँ पर अगर किसी धन आवेश को ले जाएंगे परीक्षण धन आवेश को तो क्या होता है इसको धक्का देगा, अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में तो ये वाला भी इस ओर भागने लगेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश जो होगा इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, यानी इधर लगेगा ए बराबर क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई इधर भी बल लगेगा और क्यू इंटू ई इधर भी बल लगेगा। ठीक है, यानी ये वाला इधर इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा। लेकिन असमरूप क्षेत्र में रखेंगे तो हो सकता है ये वाला इधर इधर खींचे, ये वाला इसको इधर खींचे, लेकिन ये वाला इसको इधर खींचे न खींचे नहीं हो सकता है, मतलब संभव नहीं है कि वाला इधर खींचबे करेगा। समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक यहां पर रखे हैं विद्युत बल रेखा, असमरूप क्षेत्र है, असमरूप क्षेत्र यहां पर बनाए हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है, तो इसका दिशा किधर होगा, इसको खींचेगा ये वाला इधर, ये वाला इसको इधर खींचेगा। यानी जो विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा अलग अलग है, यानी विद्युत क्षेत्र हर जगह समान नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हर जगह समान नहीं होगा, इस पर हर जगह विद्युत क्षेत्र समान नहीं होगा। आवेश तो परिमाण में समान है, आवेश परिमाण में समान है, लेकिन हो सकता है ई वाला बल अधिक लगा रहा हो और ई वाला बल कम लगा रहा हो, तो क्या होगा ई वाला इसको खींच लेगा, यानी उस दिशा में गतिमान हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, जब विद्युत बल रेखा अलग अलग इस तरीका से है तो इसमें विद्युत क्षेत्र हर जगह समान नहीं होगा, लेकिन यहाँ इसमें इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इसके हर स्थान पर विद्युत क्षेत्र समान होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा हर स्थान पर समान होगा, लेकिन यहाँ इसमें इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र हर स्थिति में समान नहीं होगा, यहाँ पर कम होगा तो यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर अधिक होगा तो यहाँ पर कम होगा। यानी विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, आवेश तो सभी जगह समान होगा, यानी विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि जो बल लगेगा किधर ज़्यादा लगेगा किधर कम लगेगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र जिधर ज़्यादा रहेगा उधर बल ज़्यादा रहेगा, और विद्युत ध्रुव जो है विद्युत ध्रुव जो समरूप असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हैं उसमें क्या हो सकता है वो एक दिशा में गतिमान हो जाएगा, मतलब रैखिक गति भी उसमें होने लगेगा, लेकिन उस पर बल लगा तब, उस पर बल लगा तब। ठीक, असमरूप क्षेत्र में रखने पर बल और बल अघूर्ण दोनों लगेगा, बल और बल अघूर्ण दोनों लगेगा। जब मतलब बल लगेगा मतलब ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, लेकिन ये वाला बल अधिक है तो क्या होगा ये वाला अधिक खींच लेगा और ये वाला नहीं खींच पाएगा, ये खींचा जाएगा, मतलब रैखिक गति होने लगा, मतलब बल लगा। और यदि मान लीजिए कभी कभी अगर बराबर हो गया विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा उसमें घूर्णन गति भी होने लगेगा, यानी बल अघूर्ण भी हो सकता है। यानी जब असमरूप विद्युत क्षेत्र रहता है तो बल एवं बल अघूर्ण दोनों लगता है, लेकिन समरूप विद्युत क्षेत्र रहेगा तो केवल बल अघूर्ण कार्य करता है, और जब बल अघूर्ण लगेगा दो बराबर एवं विपरीत बल लगेगा तो क्या होगा घूर्णन गति होगा। ठीक, बल अघूर्ण उत्पन्न होगा, बल अघूर्ण उत्पन्न होगा, तो वही बल अघूर्ण का हमें मान ज्ञात करना है। जब किसी बिंदु पर दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है तो बल अघूर्ण उत्पन्न होता है, जब किसी बिंदु पर दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है तो वहाँ पर क्या होगा विद्युत ध्रुव उत्पन्न बल अघूर्ण, तो इसमें बल अघूर्ण उत्पन्न होगा विद्युत ध्रुव में, और उसी बल अघूर्ण का हमें मान ज्ञात करना है। बल अघूर्ण जो होता है टाउ द्वारा सूचित करते हैं, बल अघूर्ण को टाउ द्वारा सूचित किया जाता है, तो उसी टाउ का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो बातें समझाएं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जनरली जो हमें करना है काम उस सब के बारे में, ये आपको समझाने के लिए है कि आखिर इसमें बल अघूर्ण किस तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, अब इसको इस फिगर में देखिए,
ये समरूप विद्युत क्षेत्र है और समरूप विद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू है और ये एक माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू पर इधर बल कार्य करेगा क्यू इंटू ई, इधर बल कार्य करेगा क्यू इंटू ई। ई वाला दोनों बल एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं, दोनों बल एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं। और जब बराबर एवं विपरीत हैं तो क्या उत्पन्न होगा, बल अघून उत्पन्न होगा। जब दो एक ही बिंदु पर दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है तो बल अघून उत्पन्न होता है और उसी बल अघून का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते क्या है कि इसको बढ़ाते हैं, इधर ई वाला रेखा को बढ़ाकर इस पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर मान लेते हैं विद्युत ध्रुव को रखा गया है, विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर विद्युत ध्रुव को रखा गया है। थीटा इसलिए माने हैं क्योंकि हमें सीधा भी निकलना होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री करके आसानी से निकाल सकते हैं कि इस विद्युत ध्रुव को अगर इस तरीके से रखें तो क्या होगा, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। इस विद्युत ध्रुव को अगर इस तरीके से रखें यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। इस विद्युत ध्रुव को अगर इस तरीके से रखें तो थीटा बराबर कितना भी हो आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इससे हम माने हैं थीटा। अब चलिए निकालते हैं बल अघून, बल अघून कितना होगा। ठीक है, तो बल अघून का फॉर्मूला होता है, बल अघून 11 क्लास में आप पढ़े होंगे, बल अघून का फॉर्मूला होता है एक बल गुना बीच की लंबवत दूरी, एक बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, एक बल गुना उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच के लंबवत दूरी, बल अघून का फॉर्मूला होता है एक बल गुना उनके बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल क्या है, एक बल क्यू इंटू ई है और बीच की लंबवत दूरी क्या है, तो बीच की लंबवत दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच दूरी यही आपका क्या है, लंबवत दूरी है। तो इसका मान लेते हैं ई वाला बिंदु सी है, यानी ए सी का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ए सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ई वाला थीटा माने हैं हम, ई वाला थीटा माने हैं। तो अगर साइन थीटा आजमाते हैं, और एक बात, विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी कितना है, 12 है। ठीक है, क्योंकि विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है, 12 होता है, 12 माने थे हम, तो 12 मान लिए। अगर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब यानी हमारा लंबवत दूरी निकल जाएगा, अब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी ए सी, अब बटे में कर्ण हो जाएगा ए बी। ए सी का मान आपका 12 दिया है और ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी का मान निकालना है यानी साइन थीटा बराबर आ गया 12 बटे में ए बी। अगर ए बी बराबर निकालेंगे, ए बी बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा, ए बी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका, क्या निकालना है हमें, साइन सॉरी ए सी का मान हमें ना, ए सी का मान हमें निकालना है, तो ए सी हो गया अब बटा में ए बी, ए बी कितना है, 12 है, 12 हो गया। हमें ए सी का मान निकालना है तो ए सी बराबर हो जाएगा साइन थीटा, मतलब इसमें गुना तो साइन थीटा इंटू 12 यानी ए सी बराबर 12 साइन थीटा आपका आ गया, मतलब हमारा लंबवत दूरी निकल गया है, लंबवत दूरी निकल गया। और एक बल पता है, एक बल कितना है, एक बल q इंटू ई है, आवेश पर लगने वाला बल q इंटू ई है, तो q इंटू ई एक बल हो गया। अब बल अघून को टाउ द्वारा सूचित किया था, टाउ बराबर q इंटू एक बल और लंबवत दूरी कितना है, 12 साइन थीटा, लंबवत दूरी आया है 12 साइन थीटा। इसको यहाँ पर लिखते हैं यानी टाउ बराबर निकालना चाहे हम तो कितना आ जाएगा, टाउ बराबर क्यू को क्यू लिख दिए इंटू 12 यहाँ पर लिख देते हैं इंटू ई साइन थीटा। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू इंटू ट्वेल्व बराबर पी होता है, क्यू इंटू ट्वेल्व बराबर पी होता है। एक आवेश गुना उनके बीच की दूरी क्या कहलाता है, विद्युत ध्रुव अघून कहलाता है। विद्युत ध्रुव अघून यानी क्यू इंटू 12 पी हो जाएगा इंटू ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा यानी पी ई साइन थीटा। हम जानते हैं कि ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, यानी ए के जगह पे पी है, बी के जगह पे ई है, साइन थीटा यानी टाउ बराबर वेक्टर टाउ बराबर निकालेंगे तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई
पी साइन थीटा यानी टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस ई। समीकरण इसको मानिए एक, इसको समीकरण दो मानिए, ठीक है। समीकरण एक दो, समीकरण एक जो है समरूप विद्युत क्षेत्र में विरुद्ध ध्रुव पर लगने वाले बल घूर्ण का समीकरण है, और समीकरण दो जो है इस बल घूर्ण का सदिश रूप है, ठीक। तो हमारा जो बल घूर्ण इसमें लगेगा यानी इस पे जो बल घूर्ण इसको इस तरीका से नचाएगा, इस विरुद्ध ध्रुव को इस तरीका से नचाएगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, मतलब ये वाला इस तरीका से यहाँ पर इस तरीका से नाचेगा। तो बल घूर्ण जो लगेगा कितना लगेगा, पी साइन थीटा लगेगा, कितना होगा, पी साइन थीटा होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में विरुद्ध ध्रुव पर उत्पन्न बल घूर्ण का समीकरण जो है निकाले हैं, सारी बातें समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।